All right, page 47, start. Yes, my lord. I'm reading the type copy thereafter. हमारा नाम दीपक यादव, उम्र 40 वर्ष, पिता मुनेश्वर यादव, ग्राम पौरा, थाना नवादा, जिला नवादा का रहने वाला हूँ। मैं आज दिनांक 1/12/18 को PMCS टॉप पे पुलिस पदाधिकारी के पास अपना बयान देता हूँ। दिनांक 30/11/18 को शाम 4 बजे चंदो यादव पिता लालू यादव, संजय यादव, अनिरुद्ध यादव दोनों पिता, चंदो यादव दिनेश यादव पिता और संजय यादव की पत्नी, अनिरुद्ध यादव की पत्नी, थाना नवादा जिला नवादा के एक मत होकर अपने अपने हाथ में लोहे और रड फाइनल देसी पिस्तौल वसूली लेकर हमारे धान के खेत में आ गया, जहां हमारे पिताजी मुनेश्वर यादव, भाई संतोष यादव, माँ कमला देवी, पत्नी लीला देवी, भावो सारो देवी और गाँव के ही फहमी बारी द पिटिशनर माई लॉर्ड मिलकर अपने अपने खेत में धान अटौनी का काम कर रहे थे। उपयुक्त सबको आते देख फहमी बारी अपने धान के खेत से भागकर बाहर में कहीं छिप गया, तो उपयुक्त सभी ने आकर हमसे पूछा कि फहमी बारी यहाँ धान कटौनी कर रहा था, कहाँ चला गया। जिस पर मैं बोला कि मैं अपना धान अटौनी कर रहा हूँ, फहमी बारी का मैं क्या जानूँ, वह अपना खदान में खेत में कहाँ है। इतना सुनते ही संजय यादव और अनिरुद्ध यादव ने अपने हाथ में लिए राइफल और देसी पिस्तौल से जान से मारने के नियत से हमारे भाई संतोष यादव के ऊपर फायर किया। संयोगवश गोली मेरे भाई को नहीं लगा और सभी जान बचाकर भागने लगे। तभी उपयोग सभी ने मुझे घेर कर पकड़ लिया और सभी मिलकर अपने हाथ में लिए लोहे का रॉड राइफल का कुंदा से मुझे मारने लगे और बोलने लगे, तुम लोग हमारे विरुद्ध फहमी बारी से उच्च न्यायालय में CWJC संख्या 7769/14 और कादिरगंज थाना संख्या 248/17 करवाया है, जिसमें मेरा भाई और भौजाई को जेल भिजवा दिया है, इसलिए फहमी बारी से पहले तुम लोगों को जान से मार देंगे। सो माय लॉर्ड, द कल्प्रिट्स हैव कम टू फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग द पिटिशनर योर लॉर्डशिप, दे डिड नॉट फाइंड द पिटिशनर ओवर देयर, सो दीस पर्सन हैव बीन ब्रूटली असॉल्टेड। देयर आफ्टर माय लॉर्ड, अगेन माय लॉर्ड विल सी एन एक्स्ट्रा 5, दिस इज द FIR व्हिच हैज बीन लॉस्ट बाय द पिटिशनर हिमसेल्फ योर लॉर्डशिप। Yes. And he was returning from the prayer in the mosque, my lord. And then he has been attacked by the criminals, my lord, the Pappu Yadav group, my lord. He somehow managed to escape, my lord. He has been fired 11 rounds of fire, your lordship. So, my lord, my contention is, your lordship, although the culprits have been arrested, they have been enlarged on bail, my lord. Continuously, they are threatening the petitioner. He is somehow, somewhere, my lord, escaping the fall to your lordship. So my contention is, my submission would be, my lord, at least protection may be given to him, my lord, because these persons already enlarged on bail, my lord. Anyhow, again they can attack the petitioner, my lord. And have you applied for protection under the witness protection scheme? No, my lord, not yet applied, your lordship. But my lord has given a direction on the last occasion, your lordship. So till date, no protection has been granted, my lord. और जो ये action भी लिए हैं, वो उस केस में लिए, mining में जो खनन का आदेश हुआ था हुजूर के द्वारा, honorable court के द्वारा, उस केस में हुआ है, जिसमें इनको already bail मिल गया। बाकी दो FIR में तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। एक तो दीपक यादव का FIR है, दूसरा मेरा FIR है। उसमें भी वो लोग named है ना? Yes, my lord, named है। तो यादव सोनी ये लोग सरेंडर किए तो पुलिस ने इनको रिमांड पर नहीं लिया उस केस में? नो माय लॉर्ड, दे हैव नॉट बीन, बिकॉज़ दे आर नॉट अंडर अरेस्ट योर लॉर्डशिप, दे आर इनलार्जिंग एवरीवेयर एंड थ्रेटनिंग। नो नो, वेदर इन ऑल द केसेस दे हैव बीन इनलार्ज्ड ऑन बेल? नो 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 माय लॉर्ड, दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड। सो इन एटलीस्ट टू केसेस अकॉर्डिंग टू यू, इन टू केसेस दे आर स्टिल नॉट ऑन बेल? नो नो माय लॉर्ड, नॉट ऑन बेल। नो, एंड दे पुलिस इज नॉट इंट्रोगेटिंग देम? No, my lord. And my lord will see that they have already found, my lord, illegal mining is being done. It has been very much contended by the police official itself in the supplementary file by the superintendent of police, my lord. So, my lord, such kind of illegal act is being taking place, my lord. Give me supplementary. Tell you so. कोर्ट में फाइल किए थे लास्ट दिन, ऑर्डर में आया भी है। जो मेरा कहना है कि हम ये तो घूम ही रहे हैं बाहरी लोग, तो फिर उस पर अटैक करेगा हुजूर, हम छुप के 11 बार गोली लगा, हम बच गए किसी तरह से। ओनली रीजन माय लॉर्ड, आई हैव रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द पीपल माय लॉर्ड हु वेयर trying to illegally That is why I am entertaining your writ application. Yes, right. I can understand your predicament. I can understand your predicament. My lord.
only thing is that despite all these efforts, if the police is not acting, then देखिए इनका supplementary में supplementary counter affidavit. Nine accused persons, including drivers of the trucks, are still absconding. And दूसरे में कह रहे हैं petition for issuing process under section 82-83 CRPC was filed against the rest of the accused persons. अब ये बताइए कि जो दो केस है उसमें क्यों नहीं उनको इंट्रोगेट कर रहे हैं आप? एक चीज और, मुझे एक और छोटा सा इस पे रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए इनका अगेंस्ट में दे दिया गया है अगेंस्ट द पिटिशनर माय लॉर्ड. यस कम टू नो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग. कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो पैसा देके जो मरवाया जाता है तो ऐसे कर दिया गया इनके ऊपर. ये कहां से आप बोल रहे हैं? वही पिटिशनर खुद हमको इंफॉर्मेशन दिए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मेरे पर सुपारी दे दिया गया है. So, because that FIR will make it very clear, your lordship, because those person has intended to kill the petitioner, my lord. दो बार effort हो चुका है. आप examine कीजिए इनका threat perception, examine करके submit the report. On 6/11/22 lordship, the letter has been given for the threat assessment under witness security plan 2018. We have annexed D lordship. Annexed D to your counter affidavit. Letter has also written to police inspector MSHO to submit report with respect to the threat assessment. What happened to that letter? तो आपने दिया कागजी कार्रवाई सब कर रहे हैं, but on spot क्या हो रहा है? What report has been submitted? इन सब चीजों में इतना समय लग सकता है क्या? 6/11 का लेटर है. आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम इसीलिए बनाया गया था कि आप इस तरह से लटके रहिए, लटका के रखिए सबको. रिपोर्ट मंगवा लेते हैं. अदरवाइज लाइक 5 accused persons has been already arrested. Yeah. Not taken on remand in at least two cases. Please try to understand her argument. In one of the cases they surrendered and got bail. What about the other two cases? What about the other two cases when they surrendered? Why they were not taken on remand? In those two cases. Moreover, in this case, ये तो ठीक बोल रहा है ना कि बालू माफिया है, ये है, सबके अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, इसके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है. तो आप क्या इंस्पेक्टर को चिट्ठी लिखने का काम खाली आपके ऊपर? ये पुलिस अधीक्षक को रह गया, ये थाना इंचार्ज को चिट्ठी लिख दिया, एक हो गया डेढ़ महीने में या एक महीने में. उनको कितने देर लगता है? अगर ये कोतवाली गया का ही मैटर है तो कोतवाली के थाना इंचार्ज को अपने यहाँ बुला करके और इसको एग्जामिन कराने में कितने देर लगना चाहिए? सेंसिटिवनेस की कमी और कुछ नहीं.